हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मई मंथ के आईआर करंट अफेयर 2020 को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज 2020 का पार्ट है और इसमें 100 डेज का क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टों और करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा और वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा ताकि आप प्रीलिम्स कोर्स को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। इस चैनल का उद्देश्य स्मार्ट स्टडी और इजी लर्निंग को प्रमोट करना है और इस प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की स्टडी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये कुछ 6-7 टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इसके अंदर में दो सब टॉपिक हैं, जो गलवान रिवर वैली और पेंगोंग शोल लेक के बारे में, और इसके बाद इंडिया ताइवान इशू, इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट, गिलगित बल्टिस्तान इशू, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वन कंट्री टू सिस्टम, ये हांगकांग के इशू से डील करता है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर टेंशन्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना कम टू द फोरफ्रंट वंस अगेन फॉलोइंग द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ। वाई वंस अगेन? रीज़न ये है कि पहले भी डोकलाम में विवाद हो चुका है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द नॉर्थ सिक्किम एंड लद्दाख रीजन अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस बारी ये स्टैंड ऑफ नॉर्थ सिक्किम में भी देखने को मिला है और लद्दाख रीजन में भी देखने को मिला है। आपको पता होना चाहिए इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तीन भागों में है। एक तो वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, एक तो वेस्टर्न सेक्टर में जा कर के इंडिया के, एक ईस्टर्न सेक्टर में है और एक मिडल सेक्टर में भी आती है इशू। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये तीन रीजन्स में, तो अभी जो इशू इमर्ज होकर के आया है वो यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में है जो कि लद्दाख में आता है, ठीक है, और ईस्टर्न सेक्टर जो कि हमारे सिक्किम है वहाँ पे आया है एक दूसरा इशू। तो इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ मई देर हैव बीन सम क्लैशेस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स एट द पेंगोंग शो लेक, ठीक है, और पेंगोंग शो लेक के अलावा यहाँ पे गलवान रिवर वैली का भी के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ये स्टैंड ऑफ देखने को मिला है? क्योंकि चाइना अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी का यूज़ करता है और वो धीरे धीरे दूसरी कंट्री की टेरिटरी में अपनी फौज को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता है और उसके बाद में उस एरिया पर अपना कब्जा समझने लगता है और उसके बेसिस पे वो उस एरिया पर क्लेम करने लग जाता है। जैसे अभी इंडिया में गलवान रिवर वैली के ऊपर अभी चाइना अपना क्लेम शो कर रहा है, हालांकि जो LAC है वो ड्रॉ हो चुकी है और इंडिया मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग LAC को मानता है और वो करीब 3800 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, ठीक है, और चाइना उसी LAC को 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों, इसमें ये गलवान रिवर वैली में क्या बताया गया है। एक्चुअली गलवान रिवर वैली से एक क्वेश्चन जो जियोग्राफी के बेसिस पे बन सकता है वो गलवान रिवर को लेकर के एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अक्साई चीन में से लद्दाख रीजन में एंटर करती है और लद्दाख में फिर ये श्योक रिवर में के साथ मर्ज हो जाती है, उसके बाद में ये इंडस रिवर वैली में एंटर कर जाती है, ठीक है। अभी देखिए ये मैप पे, ये अक्साई चीन का रीजन है, ये गलवान वैली है जहाँ पे अभी रिसेंट स्टैंड ऑफ है और आप ये देख सकते हो पेंगोंग शो लेक के यहाँ पे,
अब अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये नाकुला नाकुला पास है, जो कि डोकलाम से काफ़ी नियरेस्ट है। नाकुला सिक्किम रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट पेंगोंग शो लेक। पेंगोंग शो लेक के बारे में ये है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है और एक्सटेंडिंग टू ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर। अब इसमें यह कि 1/3 हिस्सा तो इंडिया में है इसका, और 2/3 हिस्सा जो है चाइना में आता है, ठीक है। नाकुला नाकुला पास जो है दोस्तों, ये सिक्किम स्टेट में ही है, तो ये मीन सी लेवल से 5000 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है। और अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पड़ता है। ये इट इज़ लोकेटेड अहेड ऑफ मोगुतांग और चोल लामू। ये तीस्ता रिवर का सोर्स पॉइंट है जिससे आगे पड़ता है, और जेमू एक्चुअली तीस्ता रिवर का सोर्स पॉइंट जेमू ग्लेशियर से होता है, और इसके ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। द अदर पासेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम आर नाथुला पास एंड जिलिपला पास। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन पासेस को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि एलएसी जो है, इंडिया कंसिडर द एलएसी टू 3488 किलोमीटर लॉन्ग, 3400 किलोमीटर लॉन्ग है, और चाइना कंसिडर इट एज 2000 किलोमीटर। तो इस इशू पे हमेशा डिस्प्यूट रहती है, बॉर्डर डिस्प्यूट रहती है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब देखिए दोस्तों, कुछ माउंटेन पासेस जो हैं हम देख लेते हैं। नाथुला पास, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। दिस फेमस पास इज लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर, वॉज रीओपन्ड इन 2016, और इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन ऑफ शूट ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है नाथुला पास से भी। नाथुला पास कहाँ पे बताया? सिक्किम में बताया। फिर शिपकिला पास, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज रिवर यहाँ पे गोर्जस से होकर के एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। और इट इज़ इंडियाज़ थर्ड बॉर्डर पोस्ट है फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर लिपुलेख एंड नाथुला। तो लिपुलेख और नाथुला के बाद में ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पास है जहाँ से चाइना के साथ ट्रेड होता है। अभी यहाँ पे लिपुलेख पास का जिक्र हुआ है, तो लिपुलेख पास जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पास है, क्योंकि अभी इंडिया और नेपाल के बीच में लिपुलेख पास को लेकर के कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, बॉर्डर इशू को लेकर के जो भी है अपने अपने रीजन का दावा मतलब कर रहे हैं। नेपाल अपनी तरफ से जो है मैप के थ्रू बता रहा है कि लिपुलेख जो है नेपाल की टेरिटरी का पार्ट है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। जिलिपला पास, दिस पास पासेस थ्रू द चुम्बी वैली, ठीक है, और इट कनेक्ट्स सिक्किम विद लाशा। लाशा क्या है? कैपिटल ऑफ तिब्बत। सिक्किम को लाशा जो कि तिब्बत की कैपिटल है उससे कनेक्ट करता है। फिर बारालाचला के बारे में भी हम बात करते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट कनेक्ट्स मनाली एंड लेह। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मनाली और लेह को कनेक्ट करता है बारालाचला पास। तो पासेस के ऊपर ये प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो पास देते हैं और ये किन किन एरियाज को कनेक्ट करता है इसके बारे में पूछ लें। एक खाडूंगला पास है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द कंट्री, इट कनेक्ट्स लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, लेह और सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है। सो दिस पास रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग द विंटर। खारडुंगला पास आपने सुना होगा, वो काफ़ी सारे यूट्यूब पे व्लॉग्स मिल जाएंगे आपको। जो लोग खारडुंगला जो लद्दाख की जर्नी पे जाते हैं वो खारडुंगला बहुत जाते ही जाते हैं, मतलब वहाँ वहीं स्पेशली जाते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, और जिसको लेकर के अभी नेपाल के साथ इंडिया की थोड़ा डिस्प्यूट भी हो रहा है, देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत,
एंड दिस पास इज एन इम्पोर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना. दिस पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर ट्रेवल थ्रू दिस पास. एक्चुअली ये पास इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू जो है इंडिया के पिलग्रिम्स मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं. और इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले यहाँ पे रोड भी कंस्ट्रक्ट किया था, तो इस वजह से थोड़ा सा नेपाल नाराज हो गया था. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पास है रोहतांग पास, कुल्लू लाहुल स्पीति. सो दिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में आता है रोहतांग पास. ठीक है, उन सब लोगों को पता होगा जो लोग मनाली गए होंगे, वो रोहतांग पास भी गए होंगे. रोहतांग पास के थ्रू ही लद्दाख और इन रीजन तक जाने का रास्ता जाता है. तो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट हैज़ एक्सीलेंट रोड ट्रांसपोर्ट. दिस पास कनेक्ट्स कुल्लू स्पीति एंड लाहुल. बनिहाल पास, बनिहाल पास के बारे में बात करते हैं. इसका नाम चेंज करके अब जवाहर टनल भी हो गया है. यहाँ पे जवाहर टनल भी है यहाँ पे लोकेटेड, क्योंकि और बनिहाल विद काजीगंज, ये बनिहाल रीजन को काजीगंज से कनेक्ट करता है. तो बनिहाल इज अ पॉपुलर पास है इन जम्मू एंड कश्मीर. इट इज़ सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज. ठीक है, इट कनेक्ट्स बनिहाल विद काजीगंज. अब देख लो यार, अगर आपने माउंटेन रेंजेस ठीक से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भाई कराकोरम रेंज कहीं इधर की तरफ है, फिर जस्कर रेंज है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ पीर पंजाल रेंज आती है. ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज में ही ये बनिहाल पास है और बनिहाल को काजीगंज के साथ कनेक्ट करता है ये. ठीक है, इसी तरह से जोजिला पास है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे कारगिल को श्रीनगर से कनेक्ट करता है. कारगिल, श्रीनगर एंड लेह, इस तरह से एक रोड जाता है यहाँ से. ये श्रीनगर है, ये कारगिल है और ये कहीं लेह है, तो जो भी है ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है. तो इट कनेक्ट्स श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह. बीकन फोर्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड एस्पेशली ड्यूरिंग द विंटर. एक पेंसिला पास भी है दोस्तों. पेंसिला कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद कारगिल. ठीक है, कश्मीर को कारगिल से पेंसिला पास के थ्रू कनेक्ट. इसी तरह से दोस्तों पीर पंजाल पास भी है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल पास है जो कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है. इट प्रोवाइड्स एक्चुअली शॉर्टेस्ट रोडवेज एक्सेस टू कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू. अब आप देख लो यहाँ पे मैप दे रखा है और मैप में सारे पासेस बताए गए हैं. एक तो जैसे जिलिपला पास है, ये सिक्किम में है. नाथुला पास सिक्किम. ठीक है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट पास है, जैसे कि बमला हो गया है ना, बोमडिला पास हो गया, ये तुंगा पास. ठीक है, दिहांग पास है इम्पोर्टेंट थोड़ा. ठीक है, ये एक बार देख लो आप. बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कुछ जो जो मेन मेन इम्पोर्टेंट पास है उनके बारे में डिटेल से बता दिया है मैंने. इसके अलावा आप ये देखो जम्मू कश्मीर में कुछ इम्पोर्टेंट पास, जैसे ये जोजिला पास इधर दे रखा है, ये खाडोंगला पास हो गया, ये चंगला हो गया. आप देखोगे यहाँ पे पेंसिला पास हो गया. ठीक है, बनिहाल पास, पीर पंजाल. ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज में ही है, पीर पंजाल और बनिहाल पास. रोहतांग पास हो गया. ठीक है, और शिपकिला हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में आ गया. ठीक है, ये लिपु लेक हो गया, उत्तराखंड में आ गया. ये रामपिया दूरा पास भी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. साउथ चाइना सी के बारे में देख लेते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना का कितना इन्फ्लुएंस रहता है. एक्चुअली क्या है, चाइना अपनी जो है एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को ये साउथ चाइना सी में भी एक्सटेंड कर रहा है. और वो कैसे कर रहा है, वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना देता है साउथ चाइना सी में, जिसका नाम है स्पार्टली पैरासेल. और इसके अलावा एक स्कारबोरो भी होता है, स्कारबोरो आइलैंड भी है एक इन द साउथ चाइना सी. इसकी वजह से जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं, जैसे कि स्पेशली फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, या जापान हो गया और मलेशिया हो गया, ये इन सब कंट्रीज़ की चाइना के साथ डिस्प्यूट चलती रहती है इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स की वजह से. तो चाइना ने एक 9 डैश लाइन भी ड्रॉ कर दी है. ये है साउथ चाइना सी, ये है 9 डैश लाइन, ये आपको दिख रहा होगा, ये ताइवान है. ठीक है,
ये फिलीपींस हो गया, तो फिलीपींस बेचारा परेशान ही रहता है इसकी वजह से, चाइना की वजह से। ये साउथ चाइना सी में कंट्रोवर्सी चलती रहती है, एक ये कि जो भी है इंटरनेशनल वाटर और इस सब को लेकर के, अपनी टेरिटरी का वाटर होता है उसको लेकर के, ये वियतनाम और ये इसी तरह से मलेशिया, कुछ कुछ इश्यूज इंडोनेशिया के साथ भी हैं, ठीक है, बट मोस्टली इन तीन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है इसके, चाइना के इश्यूज वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ और फिलीपींस के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इंडिया ताइवान के बीच में कुछ रिलेशन है, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, देखते हैं क्या बात है, ऐसा क्या है। टू इंडियन MPs फॉर द फर्स्ट टाइम वर्चुअली अटेंडेड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ताइवान। UPSC कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेगी दोस्तों, उस पे ध्यान देते हैं अपन। इंडिया एंड ताइवान सेटअप अनऑफिशियल रिलेशंस इन 1995 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया ताइपी एसोसिएशन। अब ताइपी क्या है, ताइपी जो है कैपिटल है ऑफ ताइवान की, एंड ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर फाउंडेड इन 1995 इज ताइवान गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इन इंडिया। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बायलेटरल रिलेशंस इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मीडिया, टूरिज्म, कल्चर एटसेट्रा। ये नहीं आने वाला दोस्तों, इतना कोई खास ये है नहीं कि ये पूछे, बस ये ध्यान रखना है इंडिया के अभी तक ताइवान के साथ कोई डायरेक्टली ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, बट अनऑफिशियली इंडिया के ताइवान के साथ रिलेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे नेशन तो ताइवान को अभी तक मतलब एक कंट्री की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी भी ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। इवन ताइवान यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट नहीं है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई मेंबर नहीं है ताइवान। तो आप देख सकते हो, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान एंड नॉर डज इट रिकॉग्नाइज ताइवान एज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इंडिया भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ऐसा क्यों नहीं करता है, क्योंकि इंडिया को चाइना के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना है, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है, तो अनऑफिशियल तरीके से रिलेशन है बट ऑफिशियली नहीं है। अब आप देख लो ये लोकेशन, ये ताइवान की अभी मैंने लोकेशन बताई थी, ये ताइपी है इसकी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन बनाना होगा ना UPSC को, तो वो ऐसे बनाएगा ये जो है ताइवान वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में वर्टिकली लोकेटेड है, ठीक है। अगर वर्टिकली देखें तो ये साउथ कोरिया और फिलीपींस के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। जापान यहाँ कहीं इधर की तरफ है, ठीक है, ये साउथ कोरिया, और ये हांगकॉन्ग जहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ चल रही है, मकाऊ जिसको हम आगे कवर करेंगे, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। साउथ चाइना सी में जो है आपने देखा ही सही कि ये 9 डैश लाइन है, ठीक है, और वो स्कारबोरो पैरासल आइलैंड हो गया, स्पार्टली आइलैंड हो गया। यहाँ पे देखोगे आप तो ताइपी जो ईस्ट चाइना सी में है, ठीक है, ये ताइपी ताइवान जो है ईस्ट चाइना सी में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अबाउट ताइवान अकॉर्डिंग मतलब जो है जो वन चाइना पॉलिसी है उसके तहत ये कहा गया है कि जिस कंट्री को भी चाइना के साथ रिलेशन बनाने हैं ना अच्छे रिलेशन जो चाइना से बना के रखना चाहता है, उसको ताइवान को चाइना का पार्ट ही समझना पड़ेगा, ठीक है। ताइवान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बट इज़ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाई नेम चाइनीज़ ताइपी, ठीक है। 179 ऑफ द 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ UN डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ खास है नहीं कि अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, या तो ये वन चाइना पॉलिसी जो कि पहले शायद पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस यही है कि न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी किस कंट्री से डील करती है, ठीक है, तो वो ताइवान से डील करती है। क्यों? क्योंकि न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के थ्रू जो है ताइवान जो है अपने रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, और इनकी पुरानी एक पॉलिसी थी गो साउथ पॉलिसी, उसका ही थर्ड फेज है एक्चुअली ये न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी, और उसमें यही था इनका री इन्विग्रेट एंड एक्सपांड ताइवान से टाइज विद साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मूव अवे फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो एक्चुअली ताइवान अपनी आपको इकोनॉमिक पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि वो इन सब नेशंस के साथ में अपने रिलेशंस जो हैं ये अपनी नई पॉलिसी के थ्रू बढ़ाना चाहता है, न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी के थ्रू। और इसने थर्ड जो फेज स्टार्ट हुआ है उसमें इंडिया को भी मतलब मेंशन किया है। व्हाइल इंडिया वाज नॉट सेंट्रल टू द फर्स्ट टू फेजेस ऑफ ताइवान्स गो साउथ पॉलिसी, इट हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। ठीक है, तो अब इंडिया मतलब एक इम्पोर्टेंट मेंबर बनता जा रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट रिलेशंस होते जा रहे हैं ताइवान के साथ। तो थोड़ा इस तरह से बता, ये इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम बनाई गई थी पहले, और ये 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, जिसको चाइना ने पसंद नहीं किया। तो दोस्तों ये टॉपिक इंडो नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में है। इस डिस्प्यूट के पीछे जो रीजंस हैं, नेपाल अनवेल्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्ड स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट काला पानी, लिम्पिया दूरा और लिपुलेख ऑफ उत्तराखंड एज पार्ट ऑफ सोवरेन टेरिटरी। ठीक है, तो नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप जारी करके ये बोला कि काला पानी, लिम्पिया दूरा और लिपुलेख उसकी टेरिटरी का पार्ट है, उसकी वजह से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गई है। इंडिया और नेपाल के बीच में पहले से इन कुछ एरियाज़ को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे, जिसमें से एक ये एरिया सस्ता बिहार स्टेट में जो है सस्ता रीजन है, वहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट बने हुए हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। बट रिसेंटली इन तीन साइट को नेपाल ने अपने मैप अपने पॉलिटिकल मैप के थ्रू शो किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिस्प्यूट का रीज़न बन रहा है। और सस्ता इन बिहार इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो एक तो ये तीन रीजन्स के बारे में आप थोड़ा सा देख लें, ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, यहाँ से जो पासेस गुजर रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। और जो नेपाल इंडिया की बॉर्डर पर कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती है नेपाल से इंडिया की तरफ, हमें उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरह से रिवर्स पे आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल होता है और क्वेश्चन आ जाता है जियोग्राफी से। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये चाइना है, ये इंडिया और ये नेपाल, ये इनका ट्राई जंक्शन है ये रीजन, और इस ट्राई जंक्शन में काला पानी है, ये लिपुलेख पास है। ठीक है, इंडिया एक्चुअली यहाँ से जो है एक मानसरोवर के लिए जो है रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं नेपाल को पसंद भी नहीं आई, और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे जो कि वहाँ ओपी कोहली की गवर्नमेंट वोट पॉलिटिक्स के लिए नेशनलिज्म का इशू रेज कर रही है नेपाल में, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो रही है बॉर्डर इशू को लेकर के। इसके अलावा चाइना, नेपाल काफ़ी ज़्यादा चाइना से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, क्या रीज़न है, चाइना जो है डेट बर्डन बढ़ा देता है इन कंट्रीज़ का, इंडिया के जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उन सबको डेट दे करके उनके ऊपर इतना बर्डन बढ़ा देता है कि ये चाइना के फेवर में बात करने लग जाता है। इसके अलावा ये एक लिम्पिया दूरा पास है, तो नेपाल इस पूरे रेड जोन को जो है अपनी टेरिटरी का पार्ट बता रहा है, और ये एक डिस्प्यूटेड जोन बन करके सामने आया है। ठीक है, अब आप कुछ इसमें इसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स को देख लीजिए जो नेपाल से, ये नेपाल का मैप है, नेपाल से इंडिया में आती है। एक तो ये शारदा रिवर है, दूसरी घाघरा है, ये तीसरी गंडक रिवर है, ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स है जो कि नेपाल से इंडिया में एंटर करती है। अब जो शारदा रिवर है उसी को काली रिवर भी बोलते हैं, और घाघरा को करनाली बोलते हैं। ये काली और करनाली ये नेपाल में फेमस है ये नेम। ठीक है, और काली रिवर उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक बॉर्डर की तरह है, बॉर्डर बनाती है, इंडिया नेपाल बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसी को थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली समझाते हैं। शारदा रिवर को देख लो, यही काली रिवर है, और बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं, कुमाऊं जो है
उत्तराखंड जो है उसके दो हिस्से हैं, उसमें इधर का हिस्सा तो कुमाऊं होता है और इधर का हिस्सा जो है गढ़वाल रेंज होता है। तो आप ये देख लो कि घाघरा रिवर जो है वॉल्यूम वाइज तो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ के हिसाब से देखा है तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, किसके बाद में, यमुना के बाद में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर आप गंडक रिवर की बात करें यहाँ पे, तो ये ओरिजिनेट होती है नियर तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे। अब एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ये मानसरोवर लेक जो है इससे कितनी रिवर्स हैं जो जो मतलब ओरिजिनेट होती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन जाती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना कौन कौन सी रिवर्स हैं। नेक्स्ट इशू है गिलगिट बल्तिस्तान इशू। ये इशू जनरली न्यूज़ में चलता ही रहता है बट इतना ज़्यादा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं लगता। सिर्फ यहाँ पे आप मैप है जिसको देख लो कि ये जम्मू कश्मीर का प्रीवियस मैप है, उसमें ये गिलगिट बल्तिस्तान का जो है रीजन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब जो है ये जम्मू कश्मीर का ये इतना हिस्सा है, ये यूटी है, ठीक है, ऐसे ये लद्दाख का रीजन है, ये है, ठीक है, ये भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये अक्साई चीन वो हिस्सा है जो कि चाइना ने हड़प रखा है, ठीक है। उसके अलावा ये सक्षम वैली है जो कि क्या है, एरिया सीडेड टू चाइना बाई पाकिस्तान, मतलब ये है कि ये चाइना ने मतलब ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट की तरह दे दिया था। हमारे दिमाग में आता है सियाचिन गया, तो सियाचिन जो है ये कुछ इस रीजन में आता है, यहाँ से जो है सियाचिन पर से जो है दोनों तरफ जो है पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ जो है इंडियन सैनिक निगरानी रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का है। क्या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यूपीएससी के लिए? तो यार ये इसका रिलेवेंस अभी उतना तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट एक तो बहुत पुराना ग्रुप है, बस इस बार ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन समिट में ऑफ NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप 2020 टू डिक्लेयर सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो ये न्यूज़ में बना हुआ था, बाकी ये है कि ये इंडिया के एफर्ट्स से बना था ये ग्रुप। आगे देखते हैं ये किस तरीके से है। ये मैप है जिसमें आपको उन सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज और मेंबर कंट्रीज के बारे में बता रखा है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है। जो नेवी ब्लू कलर में ये मेंबर कंट्रीज हैं और जो ब्लू कलर में वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अगर बात करें हम कुछ बेसिक्स की नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट फॉर्मली अलाइन देमसेल्स विद ईदर द यूनाइटेड स्टेट्स और द सोवियत यूनियन बट सॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। एक्चुअली नेम को बनाने के पीछे पर्पज ये था कि कोल्ड वार एरा में, जो कि आपको पता है कि 1945 के बाद से ही कोल्ड वार एरा स्टार्ट हो जाता है और वो 1990s तक चलता है जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया था। तो होता यह है कि तब 1955 में कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम था बांडुंग, बांडुंग इंडोनेशिया में। तब 1955 में तब नेम का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। जो नए नेशंस थे जो कि ब्रिटिश, पोर्तुगीज और स्पेन, फ्रांस की कॉलोनी थे पहले, जो सब आज़ाद हो गए थे, तो उन सब ने सोचा कि यार अब हम नए नए नेशंस हैं और या तो लोअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर अंडर डेवलपिंग जो भी है मतलब कंट्रीज हैं, तो हम सबको है ना बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, या तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के का ग्रुप हो या फिर सोवियत यूनियन का ग्रुप हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेम का ओरिजिन जो है एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस से हुआ था जो कि बांडुंग में हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडोनेशिया 1955 में, ठीक है। तो ये
एक्चुअली एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस से जो है नेम का ओरिजिन हुआ बांडुंग में, बांडुंग इंडोनेशिया में। बट इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो कि 1961 में ऑर्गेनाइज की गई थी। फिर किसकी लीडरशिप में थी, एक्चुअली ये पांच नेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन पांच नेशन की के अंडर में ही जो है पहली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी नेम की। ये सब अपने अपने रास्ते पे चलना चाहते थे कि भाई हमको है ना कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, ना तो यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रुप ज्वाइन करना है, ना ही सोवियत यूनियन का जो कि यूएसएसआर था उसका ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इंडिया, ये कौन सी कंट्री थी, ये थी इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घना और इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मिले थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब है ना नॉन अलाइंड रहेंगे, मतलब किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे और न्यूट्रल बने रहेंगे हमेशा, ठीक है, अनबायस्ड रहेंगे। इस ग्रुप में टोटल 120 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिस जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका से हो गया, एशिया से हो गया, लेटिन अमेरिका से हो गया, कैरिबिया से हो गया, ठीक है, यूरोप से बेलारूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होगा कि पंचशील का सिद्धांत जो कि इंडिया ने, इंडिया और चाइना के बीच में जो है फाइव प्रिंसिपल्स का एक हुआ था, वही सेम प्रिंसिपल जो है यहाँ भी फॉलो ही किए गए थे एक्चुअली, ठीक है। तो पहला तो था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, दूसरा था नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मिलिट्री एंड इंटरनल अफेयर्स में, तो कोई भी एक दूसरे की मिलिट्री अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेगा फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, मतलब मानेगा कि हाँ यार ये देश है और इस बात से रेस्पेक्ट करेगा, और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन मतलब एक दूसरे के बीच में कोई भी मतभेदता नहीं शो करेंगे, और इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट सब मतलब सबका साथ सबका विकास टाइप से ही है कि सब इक्वल हैं और म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे हम लोग जो भी नेम ग्रुप के मेंबर्स थे। फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब इकोनॉमिकली भी कोऑपरेशन करेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ देंगे, शांति रखेंगे एक दूसरे के साथ में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में बना हुआ है। ये न्यूज़ में क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि अभी कोविड 19 की सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड परेशान है और गुजर रहा है, तो इसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा, तो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह सामने आई है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है, और डिसीजन लेने का काम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है, ठीक है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जैसे एक एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और इसके अलावा ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली भी होती है, तो असेंबली का काम जो होता है डिसीजन लेने का होता है, ठीक है, जबकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन करने का होता है, अप्लाई करना है, इन ये जो इन्होंने डिसीजन लिए इनको अप्लाई कौन करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो इट इज़ अटेंडेड बाई डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स स्टेट्स एंड फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन जो करते हैं ये वर्ल्ड हेल्थ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अभी जैसे कोविड 19 की सिचुएशन होगी तो की पॉइंट्स थे वो किसने प्रिपेयर किए, प्रिपेयर तो WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने किए, इसके ऊपर डिसीजन किसने लिया, डिसीजन तो जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने लिया। फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है कुछ और जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है, ठीक है। अभी देखो इनकी एक वन हेल्थ अप्रोच है, ये वन हेल्थ अप्रोच किस तरह से काम करती है, क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा यहाँ से कि भाई ये वन हेल्थ अप्रोच किस बॉडी से डील करती है, कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है उससे डील करती है, तो जो चार ऑप्शन में दे देगा कि ये नीति आयोग से डील करती है, या फिर ऐसे भी बोल देगा कि भाई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से डील करती है, या फिर कोई और हेल्थ से रिलेटेड बॉडी दे देगा आपको और आपको कन्फ्यूज करेगा, तो आंसर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होगा। अब ये क्यों है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है कॉल्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जूनोटिक सोर्स ऑफ द वायरस एज पार्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच,
तो ये क्या है, इसने बोल दिया कि आइडेंटिफाई करो आप ये जूनोटिक सोर्स क्या रहा है वायरस का। तो जूनोटिक सोर्स का मतलब क्या है कि जूनोटिक मतलब जो डिजीज एनिमल्स है ह्यूमंस में आती है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है जो डिजीज, उसको बोलते हैं। तो ये किस एनिमल से आई है, कैसे आई है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कहा है। किसके थ्रू, ये वन हेल्थ अप्रोच जो चलती है उसके अंडर में यही ये काम भी होता है, ठीक है। तो जूनोटिक डिजीज ऑल्सो नोन एज जूनोस आर कॉज्ड बाई जर्म्स दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, ठीक है। फिर वन हेल्थ इज अ कोलेबोरेटिव मल्टी सेक्टरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, वर्किंग एट द लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल लेवल पे विद द गोल ऑफ अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स, रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्शंस बिटवीन पीपल एनिमल्स प्लांट्स एंड देयर शेयर्ड एनवायरमेंट के बीच में। मतलब इस तरीके के ये गोल्स को अचीव करती है, जो कि इंटरकनेक्शन जो भी होता है ना, मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड, पीपल एनिमल प्लांट्स से कोई डिजीज है या फिर एनिमल से ह्यूमंस में आ रही है, तो ये थोड़ा सा वन हेल्थ अप्रोच के अंडर में आती है। मेन चीज़ यही है कि वन हेल्थ अप्रोच किस एजेंसी से डील करती है, तो ये ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है WHO, उससे डील करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो बॉडी है वो क्यों न्यूज़ में आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो इसके चेयरमैन बन गए अभी रिसेंटली, हर्षवर्धन जी, आप जानते होंगे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स, ठीक है। इसमें 34 मेंबर होते हैं, 34 मेंबर्स होते हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। इट मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार ही ये मिलते हैं। फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ WHO, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना है डिसीजंस को ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और एडवाइस भी देता है ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, और फैसिलिटेट इट्स वर्क। जो चेयरमैन पोस्ट है वो हेल्ड की जाती है बाई रोटेशन, ठीक है, मतलब चेंज होती रहती है फॉर 1 ईयर, मतलब हर एक साल में जो होती है चेयरमैन बदलता रहता है। और 6 रीजनल ग्रुप्स हैं एक्चुअली जहाँ से आता है, जैसे कभी अफ्रीका का बना दिया, फिर चेंज करके अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन हो गया, और वेस्टर्न पैसिफिक से, ठीक है। तो इन इन जगहों से जो है मतलब चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। अभी अभी इंडिया का नाम आ गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन की तरह। अभी न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था हांगकांग का इशू, क्योंकि हांगकांग में जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जो है चाइना की तरफ से वायलेट हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वन कंट्री टू सिस्टम का। तो ये जो है ये किन किन मतलब ये चाइना से रिलेटेड है एक्चुअली। चाइना ने क्या है कि जब ब्रिटिश हांगकांग को जो छोड़ करके जो है ना 1997 में गए थे, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में एक ट्रीटी साइन कर ली थी, ठीक है। वो ट्रीटी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये था कि चाइना जो है ना वो हांगकांग के लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, जो उनको कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए वो उनको वापस नहीं ले सकता है। और उसके अलावा जो है ना, सिर्फ चाइना के पास ये पावर है कि वो हांगकांग के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस को, ठीक है, चाइना डिसाइड कर सकता है। बट दूसरे जो करेंसी है हांगकांग की, इकोनॉमी होगी या लीगल सिस्टम है, वो वहीं के लोग डिसाइड करेंगे, या वहीं की जो भी गवर्नमेंट होगी हांगकांग की वही डिसाइड करेगी। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, मतलब इसलिए इनको चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोला जाता है, ठीक है। आपको पता चलेगा तिब्बत में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ऐसा ही मकाऊ है, वहाँ भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। अभी मकाऊ जो था वो क्या है कि वो भी चाइना को एक्चुअली मतलब पोर्तुगीज के साथ डील हुई थी 1999 में। उसके बाद मकाऊ जो है पोर्तुगीज की कॉलोनी नहीं रहा था, और वो अब फिर चाइना का पार्ट बन गया था। तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के सिस्टम है, ठीक है। अभी आप लोकेशन देख लो हांगकांग की, ये हांगकांग है, ये हांगकांग है, ये चाइना है, ठीक है। ये इतने
इस मैप में देखो आप, ये चाइना है ठीक है, उसमें ये छोटा सा जो है ना ये एरिया, ये इतना बड़ा बता रखा है इस मैप में, यही हांगकांग है ठीक है। अब मकाऊ देखोगे तो ये इतना सा क्या, छोटा सा, छोटी सी जगह है मकाऊ ठीक है। ये चाइना का ये इधर हिस्सा है और इनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के नाम से जाना जाता है। तो ये कभी भी पूछे कि भाई ये वन कंट्री टू सिस्टम कहाँ पे लागू है, तो वो यहीं पे लागू है। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन सागर, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, ये इस पर क्वेश्चन बनने की काफ़ी चांसेस है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन सागर टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। ये ईस्टर्न नहीं होना चाहिए यार, ये वेस्टर्न होना चाहिए। वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो है इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है भाई ये मिशन? एक्चुअली ये COVID-19 से जो आइलैंड नेशन है ना, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए किया है। जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोज हो गया। तो इन 5 कंट्रीज़ के नाम याद रखना। और ये मिशन के लिए क्या किया है इंडिया ने कि मिशन सागर हैज़ बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड्स 5 आइलैंड नेशंस होता है इन द इंडियन ओशन एमिड्स द ऑनगोइंग COVID-19 सिचुएशन ठीक है। अंडर द मिशन इंडियन नेवल शिप केसरी, यहाँ पे जो है ना केसरी, ये जो शिप है ना ये जाएगा, हैज़ डिपार्टेड फॉर मालदीव के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मालदीव है, मॉरिशस है, मॉरिशस ठीक है, सेशल्स ये सब ना ये इंडिया के इधर की तरफ आते हैं, ये अफ्रीका है ठीक है, ये अफ्रीका है और ये इधर इधर कहीं आते हैं ठीक है, ये इस रीजन में आते हैं ठीक है। तो आप मैप पे जाकर के देखना, UPSC के है ना क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि इन 4-5 कंट्रीज को देगा और मैप पे पूछ लेगा कि आप टॉप नॉर्थ से साउथ की तरफ बनाओ, इनको अरेंज करो, इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो, या फिर इनमें सबसे नीचे बॉटम मोस्ट कौन सा है, सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है, कौन सी कंट्री सबसे ऊपर आती है यहाँ पे। तो आपको ये देखना है, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के बारे में। और एक और टॉपिक बता देता हूँ, इंडियन ओशन कमीशन न्यूज़ में बना हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स आते हैं, इंडिया क्योंकि अभी इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मेंबर्स को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में ऐसा ही कोई क्वेश्चन बना सकती है। तो टू प्रोवाइड फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिन इंक्लूडिंग HCQ टेबलेट्स कौन सी, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट्स के बारे में बात कर रहा है, एंड स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन विद मेडिकल असिस्टेंस टीम ठीक है। तो द डिप्लॉयमेंट इज इन कॉन्सोनेंस प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर ठीक है, प्रोमलगेटेड इन मार्च 2015। तो ये जो है ना, ये सागर नाम से गवर्नमेंट ने मार्च 2015 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सागर, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसी के अंडर में ये सब हो रहा है, ये मिशन सागर वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं ठीक है। तो ये हेल्प करने के लिए है एक्चुअली ये मिशन सागर, तो बाकी ये कि ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है इंडिया का, जो सागर करके इनिशिएटिव चला रहा है ना, ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिसके अंडर में छोटे छोटे काम हो रहे हैं। ये मिशन सागर लॉन्च कर दिया, जो हमारे इंडियन ओशन की आइलैंड कंट्रीज हैं उनकी हेल्प कर दी ताकि इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़े, ये सब चलता रहता है ना, आपको पता ही होगा सॉफ्ट पावर बढ़े। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उन सभी को रिजोल्व करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। सागर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस अकॉर्डेड बाय इंडिया टू रिलेशंस विद हर नेबरिंग कंट्रीज एंड फर्दर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ठीक है, वही बात बोल रखी है। अभी एक ऑपरेशन समुद्र सेतु था, ये ध्यान रखो कि ये एक ऑपरेशन समुद्र सेतु और एक ये वंदे भारत मिशन ठीक है। मैं एक बार वापिस से बता देता हूँ, एक तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है और दूसरा है वंदे भारत मिशन। ये दोनों ना इवैक्यूएशन प्रोग्राम रहे हैं अभी रिसेंटली COVID-19 की सिचुएशन की वजह से। तो हुआ क्या कि समुद्र सेतु में जो है ना, इन्होंने क्या है, इंडिया ने इंडियन नेवल शिप्स भेज दिया दूसरी कंट्रीज में। कौन कौन से भेजे, ये जलसा और ये
मगर करके कोई शिप थे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नाम, ठीक है, बट इनको भेज दिया कि भाई जाओ और माले में जाओ इन मालदीव टू कॉमर्स इवेक्यूएशन, मतलब कुछ सामान वामान पहुँचाना हो या लेकर के आना हो या कुछ इस तरीके से था। सो दिस ऑपरेशन इज बीइंग प्रोग्रेस्ड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, हेल्थ एंड वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं था, या फिर ये कोई केवल जो है नेवी ने किया हो, ऐसा कुछ नहीं था, ये इन सभी के कोऑर्डिनेशन से हुआ है, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाती है, एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाता है, होम अफेयर्स आ जाता है, हेल्थ आ जाता है एंड वेरियस अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी एजेंसीज लगती है, लगी तब जा करके ये ऑपरेशन समुद्र सेतु सफल हो पाया, ठीक है। इन व्यू ऑफ यूनिक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कोविड 19 स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल हैव ऑल्सो बीन स्टिपुलेटेड। इतना काम का पॉइंट नहीं है। वंदे भारत मिशन के बारे में देख लो, बस इसमें फ़र्क ये, इवेक्यूएशन तो यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फ्लाइट के थ्रू हुआ, क्या हुआ, फ्लाइट से, मतलब इंडिया ने क्या है कि यहाँ से कुछ फ्लाइट्स लॉन्च कर दी अलग अलग कंट्रीज़ में, कि भाई हमारे देश के लोग जो हैं दूसरी कंट्री में जाके फंस गए हैं, जैसे कि मान लो यूके हो गया, यूएस और यूके हो गया, और 5 फ्लाइट टू जैसे इन्होंने सऊदी अरेबिया में भेज दी, सिंगापुर में भेज दी, कि भाई वहाँ से इवेक्यूएट करके लेके आओ हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए जो है, इस तरीके से ये वंदे भारत मिशन ये लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा सा काम का है, आप याद रखना कि वंदे भारत मिशन ना एक बहुत बड़ा एक इवेक्यूएशन प्रोग्राम हुआ है, लार्ज सिंस 1990 कुवैत एयरलिफ्ट। इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी बनी थी एयरलिफ्ट, ठीक है, एयरलिफ्ट थी या जाने क्या नाम था उसका, आप देख लेना, कुवैत के ऊपर बनी थी। तो इस तरीके से ये इवेक्यूएशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ये एक न्यू इनिशिएटिव है, सपोर्ट करो हमें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं और आप तक वीडियो को लेकर के आएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।